देश के महामहिम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं, विभिन्न समाज के लोगों और आम जनमानस के द्वारा कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में सांसद राहुल गांधी और कल्याण बैनर्जी के विरुद्ध नारेबाजी कर दोनों का पुतला फूंका गया। भाजपा मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि जाट किसान परिवार में जन्मे और राजस्थान के गौरव, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ जी का घमंडीय नेताओं ने जिस तरह उपहास किया, वो सिर्फ एक व्यक्ति या पद नहीं भारतीय संविधान का अपमान की परिकाष्ठा है। इस अपर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जिस तरह से कल्याण बैनर्जी का साथ दे रहे हैं, इससे इनकी विकृति मानसिकता का पता चलता है। ये लोग कह रहे हैं कि सदन के बाहर मिमिक्री की गई तो सदन का अपमान कैसे हुआ। आप सोचिए, जिन नेताओं का आचरण सदन के बाहर ऐसा है तो वह अंदर कैसा होता होगा। विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे देश की वैश्विक छवि पर असर पड़ता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि विपक्षी नेता राष्ट्र की गरिमा और छवि को छलने का काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो कि जाट किसान परिवार में जन्मे हैं और राजस्थान का गौरव है, और ऐसे मान्य उनके लिए सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी का घमंडीय नेताओं ने जिस तरह उपहास किया, वो सिर्फ एक व्यक्ति या पद नहीं है बल्कि भारतीय संविधान के अपमान की पराकाष्ठा है। इस हमारा मर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग हुई है। कल्याण बनर्जी द्वारा संसद भवन परिसर के अंदर ही राज्यसभा के सभापति का अपमानजनक नकल करना, घमंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा ठहाके लगाकर सार्वजनिक मजाक उड़ाना और एक नामदार युवराज द्वारा उसका वीडियो बनाना, उस पर हंसना, ये सब दिखाता है कि INDI लोगों की मानसिकता किस स्तर पर आ गई है। विपक्ष की ये हरकत दिखाती है कि आखिर क्यों वे सस्पेंडेड हैं। एक तरह से घमंडिया गठबंधन के सांसद अपने सस्पेंशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। विपक्ष के व्यवहार से लगता है कि उन्होंने विपक्ष में ही रहने का पक्का निर्णय कर लिया है, पक्का मन बना लिया है। उनके चाल चरित्र और सोच से यही झलकता है। अगर उनका यही हाल रहा तो विपक्ष आज जहां है, अगले चुनाव में वहां से भी बहुत पीछे हो जाएगा। क्या जगदीप धनखड़ जी का अपमान कांग्रेस और इंडी नेताओं ने क्या इसलिए किया कि वे बड़े परिवार से नहीं आते? क्या इसलिए किया